104.4 एफएम पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पसंद जवानों की। पसंद जवानों की कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वायुसेना से सेवानिवृत्त रंजन कुमार जी। रंजन कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आकाशवाणी बरेली के आभार जो इस कार्यक्रम में फिर से श्रोताओं से बात करने का अवसर दिया। रंजन कुमार जी, कोरोना का ये दौर चल रहा है, हमारी जो भारतीय सेना है वो हर मुश्किल से मुश्किल दौर में जो देश के लोग हैं उनकी सेवा में तत्पर रहती है, इस दौर में हमारी भारतीय सेना जो है वो किस तरह से देश के लोगों की सेवा कर रही है? भारतीय सेना तो जिस तरह से काम कर रही थी वो अपने सरहदों पे, आज भी जैसा कि लोगों को मालूम है सरहद पर इतना तनाव का माहौल व्याप्त है और भारतीय सेना भी इस बीमारी से लड़ते हुए सरहदों की रक्षा कर रही है, दिन रात मुस्तैद है। और इस माहौल में जब दुश्मन ने आंख उठा करके देखने की हिमाकत की है हमारे देश की तरफ, तो रोज खबरें मीडिया के द्वारा और आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा लोगों को मिल रही है कि किस तरह से हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है और हम उनको पीछे हटने पर विवश कर देंगे, ये हमारा देश से वादा है। तो हमारे सैनिक जैसे पहले काम कर रहे थे उससे भी ज्यादा तत्परता के साथ इस कोरोना काल में सरहदों की हिफाजत में लगे हुए। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं, हमारे जो सिपाही हैं सेना के और जो ऑफिसर्स हैं वो भी कुछ कोरोना से पीड़ित हुए हैं, क्या देखते हैं इसके पीछे आप? जब देश में महामारी फैली है तो इसका शिकार हर कोई भी हो सकता है और सेना में बैरकों में लोग रहते हैं तो एक साथ कई लोग रहते हैं। हालांकि इस व्यवस्था को बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, जहां कहीं भी ये कोरोना का शिकार जो लोग भी हमारे फौजी भाई हुए हैं तो उनको फिर अलग तरीके से रखने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और उनको ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है कि वो संक्रमण का शिकार ना हो और ज्यादा से ज्यादा उन जगहों का भ्रमण ना करे जहां पे किसी भी तरह का संक्रमण फैला हुआ है और रहने की व्यवस्था में तब्दीली करके कोशिश की जा रही है इस संक्रमण को सेना में फैलने से पूरी तरह से रोका जाए। जो हमारी भारतीय सेना है उसने भी कुछ व्यवस्थाएं की है, हमारे देश के जो सिविलियन है या सेवानिवृत्त जो आर्मी ऑफिसर्स और सिपाही है उनके लिए कि कोरोना को लेकर कुछ उन्होंने अलग से हॉस्पिटल से या उसी हॉस्पिटल में कुछ बेड्स की व्यवस्था की हो? जब भी सिविलियंस के ऊपर संकट आता है सेना अपना हर साधन मुहैया कराती है और जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है सैन्य अस्पतालों की मदद की। सैन्य अस्पतालों के मदद के कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब भी सिविल अथॉरिटीज उनसे पूछती है, मांग करती है कि हमें मदद चाहिए तो हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है सेना के वो उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और वो मुहैया कराते हैं उनको जगह। तो सेना के अस्पतालों में न सिर्फ सेना के लोगों का इलाज किया जाता है बल्कि जब सिविल अथॉरिटी हमसे हेल्प मांगती है सेना से तो उनको दिया जाता है और इस समय में ही जहां कहीं भी जरूरत पड़ रही है सेना ने अपनी जगह मुहैया कराई। इसके अलावा जो हमारी एक्स सर्विसमैन हैं आपस में ही एक दूसरे की मदद किस तरह कर रहे हैं आज के दौर में? जब कोरोना का दौर नहीं होता है तो उनकी बहुत सारी जगह जगह मीटिंग्स होती हैं, वो अपने सुख दुख में एक दूसरे के साझेदार होते हैं, इस समय किस तरह से ये सब कर पा रहे हैं? अगर मैं एक सर्विसमैन की बात करूं, जो लोग भी हॉल से रिटायर्ड है और आज सिविलियन की जिंदगी जी रहे हैं, सिविलियन के बीच में रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब चूंकि एक फौजी रह चुके हैं तो हम सबका दिल देश के लिए धड़कता है, समाज के लिए धड़कता है। तो ऐसे समय में भी जब कोरोना की महामारी पूरी तरह से फैली हुई है और लोग परेशान है तो हमारी एक सर्विसमैन के जितने भी कोऑर्डिनेशन कमिटीज है, जो भी वेलफेयर के संगठन है और जो भी हमारे लोग हैं वो जहाँ कहीं भी हैं जैसे भी हैं मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शहर में हमारे एक सर्विसमैन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी के श्री जसवंत सिंह भाकुनी साहब, ये वो नाम मैं ले रहा हूँ जिनके बारे में मैं जानता हूँ वो बहुत कुछ कर रहे हैं, श्री राकेश विद्यार्थी सर, कैप्टन रामलाल सर, प्रथमेश गुप्ता जी, अजय शर्मा जी, पंडित धनंजय शर्मा, श्री मुकेश सिंह रक्षेल साहब, श्री के जोशी साहब, श्री ब्रजेंद्र राकेश साहब, श्री ओम प्रकाश जी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने शहर में निकल के गलियों में चौराहों पे जो भी पीड़ित थे उनको हर तरह के हर संभव मदद करने की कोशिश की, जिनके पास राशन नहीं था उनको राशन पहुंचाने की मदद की। ऐसे ऐसे लोगों का भी नाम आया जहां जिनके पास घर में कोई नहीं है उनके घर में बीमार पड़े हैं, तीन लोगों ने उनको वहां आगे ले जाने की कोशिश की। हमारे एक बड़े भैया है, एक सर्विसमैन ही है विक्रम सिंह जी, और उन्होंने तो फिर जब देखा कि मास्क की समस्या आई, लोगों को मास्क नहीं मिल रहा था, ब्लैकमेलिंग होनी शुरू हो गई दवा की दुकानों पे मास्क की, तब उन्होंने घर में मास्क कपड़े लगा के मास्क बनाना शुरू कर दिया और अपने 10 लोगों की टीम के साथ घर घर
जाकर के मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हजारों मास्क का वितरण किया है घर में बना करके रात रात भर। तो ऐसे समय में जब देश के ऊपर संकट हो तो हम फौजी सो नहीं पाते, भले ही हम रिटायर हो गए हों, सेवानिवृत्त हम देश की सेना से हुए हैं, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें हम सब सदा हमेशा आगे बढ़ करके आते हैं और हम सब ने अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है जिससे जिस लेवल पे जो हो सकता है हम सब वो करने की कोशिश भरपूर करते हैं। रंजन कुमार जी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, क्यों ना आपकी पसंद का कोई गीत सुन लिया जाए। हमारी पसंद का सहला गीत आप मुझे सुनवाए आनंद फिल्म से कहीं दूर जब दिन ढल जाए। रंजन कुमार जी, अभी गीत सुनने से पहले आप बता रहे थे कि हमारे देश के जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं वो किस तरह से मास्क का वितरण कर रहे हैं, कुछ खाने के पैकेट उन्होंने बनाए हुए हैं, उनका भी जरूरतमंद लोगों को वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ क्या कुछ जो हमारे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो व्यक्तिगत रूप से मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स मेरे मोबाइल में है और आज तक जितने लोगों के मैं संपर्क में हूं, मैंने इस कोरोना काल में सारे संपर्क सूत्रों को एक्टिवेट किया। अब मेरे दोस्त सर्किल में ऐसे कई मैनेजर्स निकले जो MBA की हुए थे, एक ऐसे मैनेजर साहब से बात हो रही थी जो श्री अमरेंद्र पांडे जी, ये गुजरात के एक मार्बल फैक्ट्री में मैनेजर हैं और इनके अंडर में 600 लेबर काम करते थे ये फैक्ट्री में। तो जब वहां से बात शुरू हुई कि मजदूरों का पलायन शुरू हो रहा है और ये वहां जाने लगे हैं, और उन्होंने ऐसे ही अचानक वो मुझसे मेरे वेब पोर्टल पे आते रहते हैं, मेरी वेबसाइट पे आते रहते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, वहां से जब कॉल पे आए बात हुई तो हमें ये बड़ा भयावह और त्रासद परिस्थिति लगा कि 600 मजदूर थे इनके, एक एक घर में अगर 4 लोगों का परिवार हुआ ये 2500 लोग जो विस्थापित होंगे ये कहां जाएंगे, अभी सारे बस सेवाएं सब कुछ तो बंद है। तब अमरेंद्र भाई ने कहा कि रंजन भाई कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि इनकी रोटी की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते, तुम एक मैनेजर हो जिसने इनके साथ 10 साल से काम किया है, तो आप अपने जो मालिक है वो चूंकि आप कहेंगे तो सुनेंगे, आप करिए। और अमरेंद्र भाई ने हमारी बात सुन करके उन्होंने उनके मालिक से बात की और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ अमरेंद्र भाई के लिए भी कि उन्होंने एक मैनेजर के रूप में एक अपनी बहुत अच्छी सेवा भूमिका का निर्वाह किया, सबको खाना पीना की व्यवस्था कराई, रहने की व्यवस्था करवाई और पार्टिकुलर उस फैक्ट्री से एक भी मजदूर का पलायन नहीं हुआ। ये एक 600 लोगों का जो मजदूर था उनके जो लगभग कुल परिवार के लोग मिला के 2500 लोग थे, ये 2500 लोगों की सेवा करने में हम सिर्फ एक कॉल करके और आपस में बात विनिमय करके और इसको मदद करने में हम लोग कामयाब हो पाए, ये एक बड़ी बात है। और ऐसे में फिर उसके बाद हमें समझ में आया कि देश में कितनी त्रासद परिस्थिति है, तो हमारे जितने भी संपर्क सूत्र थे यहाँ से लेकर के बिहार उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए जहाँ ये मजदूर पलायन करके जा रहे थे, तो इनके निमित्त हम लोगों ने जो भी संभव हम लोग के लिए व्यवस्था की वो कर सकते थे वो किया, इनको खाना पीना रास्ते में देने का और जो कुछ भी हो उनको समझाने का कि अगर आप जहाँ है वहीं रह सके तो रहे। तो हमारे कई मित्रों ने, मैनेजर मित्रों ने, जिनका आप सबका नाम लेना तो संभव नहीं है एक कार्यक्रम में, तो उन सबने हेल्प किया और लगभग 12 से ज्यादा मेरे ऐसे मैनेजर मित्र हैं जिन्होंने अपने यहाँ मजदूरों को रहने की व्यवस्था कराई, उनको कुछ 20-25% सैलरी भी देने की व्यवस्था करवाई। ये सब तब संभव हो पाया जब अमरेंद्र पांडे भाई से बातचीत हुई और ये त्रासद परिस्थिति का हमें जानकारी मिली। तो अभी सब हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मदद मिल सके, लोग इस परेशानी में आराम महसूस कर सके और इस भाग दौड़ में कोरोना की महामारी से बच सके, पब्लिक में ना आए ताकि वो अपने लिए भी खतरा ना पैदा करे और देश के लिए भी खतरा ना पैदा करे। जी, आकाशवाणी बरेली की तरफ से अमरेंद्र पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कार्य के लिए कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में जितने भी लोग कार्यरत थे मजदूर उनके खाने पीने और रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कराई इसके लिए। इसके अलावा क्या कुछ जागरूकता अभियान भी हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं? हम लोगों ने शहर में ऐसी चीजें करी थी, हम सबने मिलकर के जिनको भी बता सकते थे बताया और ये सब चीजें, चूंकि ये पहली बार ऐसा समय आया है लोगों के बीच, लोग जागरूक नहीं है और खास करके जो हमारा अशिक्षित मजदूर तबका है ये तो और भी जागरूक नहीं है। अब इतने दिनों से सब कुछ बंद था तो लोग नहीं काम पे निकल रहे थे। अब मैं आपसे अगर उदाहरण स्वरूप बताऊं तो कल मेरे घर में कुछ समस्या थी, टैप की, टैप में पानी लीकिंग कर रहा था। कल जब मैंने अपने उसको बुलाया प्लम्बर को, तो प्लम्बर से बात करते
करते पता चला कि कितने असावधानी से ये लोग काम कर रहे हैं अभी। तो हमने उसे समझाया कि किस तरह तुम्हें इसके लिए जागरूक रहना है, किस तरह अपने बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी समझनी है। तब उन्हें गलती का एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे सामने बैठे बैठे फिर बाद में जब मेरा काम करने के बाद उसे घर जाना चाहिए, मेरे सामने बैठे बैठे उसने कॉन्फ्रेंस कॉल पे 15-20 अपने साथियों को लेकर के बोला, सर कुछ कह रहे हैं, सुनो किस तरह काम पे निकलोगे तो अपनी सेफ्टी रखनी है। तो कहने का मतलब है ये जागरूकता अभियान, एक हमने प्लम्बर को बुलाया, उसके थ्रू लगभग 15-20 लोगों को उसने बात करके हमसे समझवा दिया, बोला हम नहीं समझा पाएंगे, आप समझा दीजिए। तो हर कोई जो जहां खड़ा है, जहां बैठा है, कोशिश कर रहा है, और मेरे संपर्क में जितने मित्र हैं वो सब जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं। और हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, जो लोग इसके प्रति समझ नहीं रखते हैं उन्हें हम समझाएं। रंजन कुमारी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, क्यों ना आपकी पसंद का अगला गीत सुन लिया जाए। अगला गीत मैं चाहता हूँ, आंखें फिल्म में एक गाना आया था, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आप। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के सरहद की जो निगहबानी कर रहे हैं हमारे सभी सेना के मित्र, उन सबके लिए गाना सुनवा दें। आपके जो बरेली शहर या बरेली जनपद की बात करें तो इसमें 65 इयर्स या 70 इयर्स से ज्यादा के कई सारे सेवानिवृत्त सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं हमारे सेना के, इन लोगों की अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, तो इस दौरान जो हमारे यंग सेवानिवृत्त जो सैनिक है, सेना के लोग हैं, वो कुछ इनके लिए कर रहे हैं? हम लोग सर लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के हालचाल लेते रहते हैं, और हम लोगों के लिए अपना परिवार, चूंकि फौज में रहते हुए हम लोगों ने यही सीखा है कि अपने परिवार के लोग तो बहुत दूर रहते हैं, हमारे साथ जो लोग थे, जो हमारी एक एक कॉल पे हमारी मदद के लिए आए थे, तो यही लोग थे। अभी बरेली के जिन लोगों का मैंने अभी कार्यक्रम में ऊपर नाम लिया, हम सब लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। यहाँ हमारी एक बड़ी टीम है और जो एक कुशल नेतृत्व में भापुरी सर के काम कर रही है, हम एक दूसरे का हालचाल लेते रहते हैं, ख्याल रखते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि किसी को जरूरत है हमारी तो हम लोग तुरंत निकल पड़ते हैं उनकी मदद के लिए। और क्योंकि हमें पता है कि हमारी मदद हम एक दूसरे को हमें करना पड़ेगा, हमें न सिर्फ सिविलियन को मदद करनी है बल्कि हमें एक दूसरे को भी मदद करना है, और एक दूसरे का ख्याल हम अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। जो लोग इस समय सरहद पर या अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, उनके परिवारीजन या उनके जो छोटे बच्चे हैं और उनकी जो फैमिली मेंबर्स जो रह जाते हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की है हमारी जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है उसने? यह व्यवस्था की गई है और ऐसे कई फोन कॉल्स हम लोगों को मिले भी जहां उनके परिवार वालों ने कहा, जब ये बंदी चल रही थी तो उनको राशन की समस्याएं आ रही है, कुछ दुकान से सामान लाने की समस्या आ रही है, कुछ मेडिसिन की प्रॉब्लम है, उसको दिखाने की जरूरत है, जहां हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तो इस परिस्थिति को समझते हुए कि अभी इनके पास इनका अपना नहीं है, वो देश की सरहद पे विद्यमान देश की रक्षा में लगे हुए हैं, और आज इनका परिवार अगर यहाँ परिस्थिति में फंसा हुआ है तो उसको हेल्प करने के लिए हर शहर में जो भी एक सर्विस मैन से जुड़ी हुई कमेटियां हैं, हर कमेटी अपना काम कर रही है, करते रहते हैं, और इस काल में हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जिसमें हम लोगों ने उनकी मदद करी है और आगे भी करते रहेंगे। रंजन कुमार जी, हम बातचीत जारी रखेंगे, क्यों ना आपकी पसंद का अगला गीत सुन लिया जाए। एक गाना तो मुझे बहुत पसंद है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। रंजन कुमार जी, जो श्रोता इस समय हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मैं सभी श्रोताओं से, बरेली के, बरेली जनपद के निवासियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी फिर भी बहुत अच्छे माहौल में हैं। देश में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ है उसके हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित है और हमारी बरेली अभी भी बहुत सुरक्षित है। तो आप अभी अगर इसको मेंटेन करके रखें, अगर आप संक्रमण से बचने के लिए जितने उपाय आपको बताए जा रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, अगर उनका पालन करेंगे तो आप खुद भी बीमारी से बचे रहेंगे, अपने परिवार को भी बचा के रखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहा, तभी हम आगे भविष्य की कोई भी योजना बना सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे पहली जरूरत है सुरक्षित रहना और दूसरे को सुरक्षित रखना। और अभी बरेली में संक्रमण फिर भी बाकी जगहों की अपेक्षा बहुत कम है, तो मैं धन्यवाद देता हूं लोगों को कि लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया है, लेकिन और अधिक जागरूक रहने की अब जरूरत है जब मार्केट खुल गए। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो जानते तो है कोरोना के बारे में, किस तरह फैलता है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने जो बचाव के माध्यम है वो भी नहीं
अपनाते और जो सरकार द्वारा बताई गई बातें हैं उनको भी बहुत ज्यादा महत्व या तवज्जो नहीं देते। मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि ये न सिर्फ खुद के लिए खतरा है, देश समाज और अपने परिवार सबके लिए खतरा है, और जब ये परिस्थिति में फंस जाएंगे और कोई मदद इनको कहीं से नहीं मिलेगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, तब समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है। तो बेहतर है कि समय हमें थप्पड़ मार के जगाए, उससे पहले हम खुद जाग जाए, और ये जो नींद से अगर हम जगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम संक्रमण से बचेंगे। अभी मार्केट जब खुल चुका है तो लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, और ऐसे लोग जिनके बारे में आपने जिक्र किया, मैं इनके लिए एक शब्द प्रयोग करता हूँ, ये ठीठ किस्म के लोग हैं। ये जो ठीठ लोग हैं ना, इनको ज्यादा समझने की जरूरत है। और ऐसे लोग एक और काम कर रहे हैं, ये भी मैं आपके माध्यम कह रहा हूँ, ये लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के अफवाहें ज्यादा फैला रहे। तो ऐसे लोगों को ये भी नहीं करना चाहिए, अफवाह फैलाने से बचिए और किसी के अफवाह पे ध्यान देने से बचिए। खुद का ज्यादा ध्यान रखिए और अपने परिवार का ज्यादा ध्यान रखिए। अगर आपको देश और समाज की चिंता नहीं है तो कम से कम उस परिवार की चिंता करिए जिसको आप ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों से यही कहूंगा कि अपने प्रति जिम्मेदार बनिए, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनिए, आपकी इतनी जिम्मेदारी ही देश और समाज के प्रति आपको खुद जिम्मेदार बना दे रही है। रंजन कुमार जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पसंद जवानों की 100.4 FM पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं।